रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम काफ़ी दिनों बाद हमारी आपसे मुलाकात हो रही है। ये देखिए, आज हम अचार गोश्त बनाने लगे हैं। ये हमारे पास मटन का गोश्त है, मतलब बकरे का। तो ये तकरीबन 3 किलो 1 किलो गोश्त है। और ये हमारे पास मसाला जात है, 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्च ली है, ये धनिया पाउडर है, और ये है नमक, ये ज़ीरा, और ये हल्दी। सब 1 चम्मच है। सब ये छोटे वाले चम्मच है ना, जीरा और ये नमक वगैरह, और ये बड़ा चम्मच है एक, और धनिया जो है वो है, नमक भी 1 चम्मच है ना, तो ये वो ज़रा दरमियाने वाला है। तो ये हमारे पास है अचार गोश्त। इसके अंदर ना नींबू का रस हमने निकाल के ना, तो उसके अंदर ये गोश्त, अचार गोश्त का मसाला जो है ना, वो इसके अंदर हमने ऐड कर लिया, मिक्स कर लिया है। तो ये हमारे पास 1 प्याली दही है, ये टमाटर है, ये अदरक लहसुन है, और ये हमारे पास सब्ज़ मिर्चें हैं। हमने बनाना तो खुद ही मसाले बनाने थे, लेकिन हमें ना कुछ हम लेट हो गए, तो इसलिए ना हमने फिर ये रेडीमेड मसाला लिया है अचार गोश्त का, नेशनल का। तो फिर किसी दिन हम बनाएंगे, मतलब अपने घर के मसालों का। तो अब हम ना जल्दी में इसलिए ये हमें यूज़ करना पड़ा। तो ये हमने मतलब जो मटन और प्याज ऐड कर दिया कुकर में, ये हम इसके अंदर 1.5 गिलास ना पानी का डालेंगे गोश्त गलने के लिए। ये नमक मिर्च है ना हमने लादा से रखी हुई है, इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाह। अब हम इसको वेट लगा देते हैं तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट बाद फिर हम इसको ना खोलेंगे, तो फिर आपके साथ बाकी का जो प्रोसेस है वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखिए, लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इसके अंदर डाल दिया। तो अब हम ना टमाटर वगैरह भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी पानी है इसके अंदर, तो ये देखिए ऑयल हमने डाल दिया इसके अंदर। कितने चम्मच? ये तकरीबन 3 चम्मच मैंने डाले हैं, 2 काले डाल दिए थे, 1 आप डाला है। ये देखें, ये दही में ना हमने 2 चम्मच ना अचार गोश्त के मसाले के इसके अंदर ऐड किए, क्योंकि हमने वैसे भी स्पाइसेस ऐड कर लिए थे ना, इसलिए तो वो कम ही डाला है, क्योंकि उसके अंदर भी मिर्च वगैरह डाली थी ना। बिस्मिल्लाह। दही का पानी खुशक हो जाए तो फिर हम इससे भूनते हैं, तो फिर बाकी दिखाते हैं आपको। करके रखी हुई है वो बाद में डालेंगे। ये हमने ना थोड़ा सा इसके अंदर ना पानी ऐड किया, ये हमारा मटर का गोश्त है ना, तो अब हम इसके अंदर ना वो मसाले वाली मिर्चें रखे डालेंगे। तो फिर हम इसको 5-10 मिनट के लिए ना दम दे देंगे, तो मसाले का असर भी निकल जाएगा अंदर। ये देखें, ये हमारे पास मिर्चें मसाला अंदर ऐड किया हुआ है, तो ये हम इसके अंदर डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलाना नहीं है, इसको ऐसे दम दे दें या बाँच हल्की करके ना हम ज़रा, तो इसको 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। ये देखे, ये हम इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया, ये मुर्गी का नहीं हो यानी। ये हमने कोरिएंडर धनिया ऐड कर दिया। ये अब हमने धनिया ऐड कर दिया है, अब हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं।
व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें। और अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल। ये देखिए माशाल्लाह से सालन बहुत ही टेस्टी बना है, मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। अबू भी पीछे से कह रहे हैं मज़ेदार मज़ेदार, बहुत ही मज़े का बना सालन। टेस्टी, आप भी घर पे ट्राई करो और कमेंट में बताएं। रोटी बहुत गर्म है।